आउटस्टैंडिंग ग्रोथ का मामला है और नेशनल न्यूट्रिशन कोऑर्डिनेशन काउंसिल का पहला इजलास तलब कर लिया गया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत न्यूट्रिशन काउंसिल का पहला इजलास आज दोपहर 12 बजे होगा। काउंसिल आज पहले इजलास में काम का तरीक़ाकार तरजीहात का तायुन करेगी। तो आपको हम खबर दे रहे हैं जहां नेशनल न्यूट्रिशन कोऑर्डिनेशन काउंसिल का पहला इजलास तलब कर लिया गया है और इस इजलास की सदारत करेंगे वज़ीर आज़म। न्यूट्रिशन काउंसिल का आज इजलास दोपहर 12 बजे होगा और काउंसिल आज पहले इजलास में काम का तरीक़ाकार भी समझाएंगी। इसी हवाले से जानेंगे, टीका खान सानी हमारे साथ मौजूद हैं। टीका, बताइएगा इसी हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज पाकिस्तान नेशनल न्यूट्रिशन कोऑर्डिनेशन काउंसिल का पहला बाज़ाब्ता इजलास तलब कर लिया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत न्यूट्रिशन काउंसिल का ये इजलास आज दोपहर 12 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। वज़ीर आज़म नेशनल न्यूट्रिशन कोऑर्डिनेशन काउंसिल के पहले चेयरमैन भी हैं और काउंसिल आज अपने पहले इजलास में काम का तरीक़ाकार और तरजीहात का तयन करेगी। नेशनल कोऑर्डिनेशन न्यूट्रिशन काउंसिल जो है उस इजलास में 8 वफाकी वज़रा शिरकत कर रहे हैं। वफाकी वज़रा सैयद फखर इमाम, असद उमर, फहमीदा मिर्जा और शफकत महमूद इसमें शरीक होंगे। अब्दुल हफीज शेख, मलक अमीन असलम और डॉक्टर फैसल सुल्तान के अलावा अब्दुर्रज़ाक दाऊद भी इसमें शरीक हो रहे हैं। डॉक्टर सानी निश्तर चुके न्यूट्रिशन काउंसिल की नायब चेयरपर्सन हैं और वो बतौर नायब चेयरपर्सन भी शिरकत करेंगी और ब्रीफिंग देंगी। डॉक्टर बसीर अचकजई जो कि न्यूट्रिशन एक्सपर्ट है वो भी इसमें ब्रीफिंग देंगे। चारों सूबों के और गिलगित बल्तिस्तान आज़ाद कश्मीर के जो चीफ सेक्रेटरीज हैं मधु किए गए हैं, वफाकी सेक्रेटरीज, यूनिसेफ के नुमाइंदे और दीगर जो मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स हैं वो इजलास में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म की हिदायत पर गज़ाइयत और उससे मुंसलिक शोबों को मरबूत करने के लिए काउंसिल तश्कील दी गई है। एहसास प्रोग्राम जो है उसकी पॉलिसी इकदाम में मामनत के लिए काउंसिल जो है उसको मैंडेट दिया गया है और एहसास प्रोग्राम इसको रन करेगी। एहसास नशोनुमा प्रोग्राम जो है वो 9 इजला में इस वक्त जारी है और 35 एहसास नशोनुमा मरकज भी पूरे मुल्क में इन 9 इजला में खोले गए हैं। काउंसिल जो है वो हर 6 माह तक अपना इजलास जो है वो मुनक्कद करेगी और स्टेक होल्डर से पेशरफ का जायजा लेगी। चूँकि वज़ीर आज़म ने अपने पहले खिताब में एक बच्चे की MRI दिखाकर गज़ाइयत प्रोग्राम बारे रोशनी डाली थी और वज़ीर आज़म ने अपने इस खिताब में अज़म का इजहार किया था कि वो इस मामले को एड्रेस करेंगे। एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में 40 आपका बहुत शुक्रिया।